हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल कर उनकी ईयर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो किसी की आपको डेट ऑफ बर्थ पता है और आपको एक्सेल का यूज करके उसकी अगर एज कैलकुलेट करनी है तो वो आप कैसे करेंगे, ये आज आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें एक फॉर्मूला यूज करना होता है। मैंने ये कुछ डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, अब मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम डेट जो ईयर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना होगा इक्वल डेट डिफ, इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे हम। ब्रैकेट लगाने के बाद जिस में हमने डेट डेट लिखी हुई है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे टुडे और इसके बाद हम क्लोज ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा लगाकर हम यहां पर डबल कोट के अंदर वाई लिखेंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। एंटर करते ही यहां पर ये डेट को जो डेट ऑफ बर्थ से हमारी जो ईयर है वो कैलकुलेट करके यहां बता दे। अब मैं इसको यहां से नीचे ड्रैग कर देता हूं तो ये सारे जितने भी मैंने यहां डेट ऑफ बर्थ लिखे हुए सबका ये ईयर कैलकुलेट करके यहां पर हमको, तो अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं तो हम जैसे इसका फॉर्मूला है नॉर्मली के इक्वल डेट डिफरेंस कोमा ओपन ब्रैकेट रहेगा और फिर हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमने डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, इसके बाद हम टुडे लिखेंगे। टुडे से मतलब है कि जब से लेके जब तक, अगर हमें कोई दूसरी डेट तक का अगर हमें किसी की एज ऑफ कैलकुलेशन करनी है, अगर कोई दूसरी डेट तक करनी है तो हमें वो डेट यहाँ पर सेपरेटली लिखनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितनी आसानी से हम लोग एज कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।